Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। और Amazon के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? Amazon के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि Amazon एक ऐसा साइट है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है और बहुत सारे लोग इस साइट में आना चाहते हैं और प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी उनकी ये है कि प्रोडक्ट कौन सा सिलेक्ट करें, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कौन से प्रोडक्ट की क्या रैंकिंग है। अगर प्रोडक्ट की ये रैंकिंग है तो वो प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है, क्या प्रोडक्ट सिलेक्ट करना, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं होता है हमें जो एक स्टार्टिंग लेवल से आते हैं। लेकिन उनके पास देखने जाओ तो पैसे होते हैं, उनके पास लोग होते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू आपको बताने के लिए कि कौन से प्रोडक्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, किस टाइप के प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, कौन से प्रोडक्ट में कितना सेल हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली, और कैसे आपको फ़ायदा हो सकता है। उसके लिए एक साइट है, आप लोगों ने शायद नाम भी सुना होगा उसके बारे में, उसका नाम है जंगल स्काउट। अब ये US की साइट है, ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ये साइट को ऑपरेट करते हैं और काफ़ी फ़ायदा भी उठाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इंडिया में भी जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं और जो लोग अकाउंट परफॉर्मेंस और अकाउंट स्टेटस मैनेज करते हैं या फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं आपको कि कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ भी हैं जो दावा करती हैं कि आप ये प्रोडक्ट बेचो तो फिर आपको फ़ायदा होगा। तो ये सारे जो डेटा हैं वो यहीं से पिकअप होते हैं, मोस्टली यहाँ से ही वो लोग चेक करते हैं, यहाँ से ही अपडेट लेते हैं और आप लोगों को सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग हो सके तो junglescout.com की साइट पे आ जाइएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहाँ से क्लिक करके भी साइन अप कर सकते हैं। मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। पहले तो आपको ये वीडियो देखना है, 3-4 मिनट का वीडियो है, मैं अभी प्ले करके आपको नहीं समझाऊंगा, आप देख लीजिएगा एक बार। इसमें एक फीचर ऐसा है जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, बाकी सारे फीचर्स जो हैं थोड़े से महंगे पड़ेंगे आपको, लेकिन अगर आप लार्ज स्केल में करना चाहते हो तो आपके लिए पैसा वसूल एप्लीकेशन है ये वाला। अब इसकी फीस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 3 तरह के मॉडल्स हैं यहाँ पे, बिजनेस, स्टैंडर्ड और स्टार्टअप। ठीक है, तो अगर आप शुरुआत कम से करना चाहते हैं तो फिर आई गेस आप स्टार्टअप से भी कर सकते हो। $29 है, अगर एनुअल बिलिंग करते हैं, मंथली बिलिंग करते हैं तो $39 है। ठीक है, ऑब्वियसली आप मंथली बिलिंग ही करोगे लेकिन क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, डेबिट कार्ड वगैरह से नहीं होगा, आपको क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करना होगा। ठीक है, और ये सारे फीचर्स इस सब में आपको देखने मिलेंगे, इतने सारे फीचर्स हैं। वैसे एक यूज़र से काम चल जाता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आई गेस $29 इज़ नॉट मच, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महीने में 5 से 10 लाख का सेल करना है बट आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, तो उसके सामने अगर $30-40 आप डाल रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। अब इसकी इंटरेस्टिंग पार्ट पे हम आते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट्स, वेब ऐप, क्रोम एक्सटेंशन, टेस्टिमोनियल्स, ये सारा आपको मिलेगा, प्लस इनके जो भी रिसोर्सेज हैं ये सारी यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, अब मैं एक इम्पॉर्टेंट और आपके लिए यूजफुल जो है वो फ्री में, उसके बाद उसके ऊपर चलते हैं, वो है सेल्स एस्टिमेटर। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेल्स एस्टिमेटर का पेज खुल जाएगा और आपको अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इंडिया को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई हैं। ठीक है, अब आपको पता करना है कि कौन सी कैटेगरी में, अगर सपोज रैंकिंग प्रोडक्ट का 10 है तो वो अप्रॉक्सीमेटली कितना सेल होता होगा। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे जस्ट 10 मेंशन किया है, अब अगर कोई प्रोडक्ट का रैंकिंग 10 है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2533 प्लस माइनस 10% रहता है, प्लस माइनस 10% इतने प्रोडक्ट्स यूनिट सेल हो रहे हैं उस पर्टिकुलर रैंकिंग के प्रोडक्ट के। अगर हम 1 डालते हैं, देख लीजिए 5250, मतलब बेबी में वन प्रोडक्ट जो है, वन रैंकिंग वाला 5000 प्लस यूनिट सेल होता है। सेम वे अगर हम देखें बैग्स, वॉलेट्स, उसमें 1 डाल के देखते हैं, 1500 यूनिट्स। सेम वे अगर आप ब्यूटी में देख लें 4400,
बुक्स में आप देख लीजिए, काफी ज्यादा होगा यहाँ तो। ओ 4,440 कार एंड मोटरसाइकिल्स, नॉट बैड। क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज बताइए कितना होगा यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है, मतलब उतने यूनिट सेल हो रहे हैं पर मंथ, प्लस माइनस 10। ओके यहाँ पे ज़्यादा है, 7,200 इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑब्वियसली, तो आप फोकस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे। गिफ्ट कार्ड्स पे कम है, ग्रोसरी गो में यहाँ पर भी 4,400। ओके गुड, तो आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक लीडिंग कर रहा है। उसके बाद आता है हेल्थ एंड पर्सनल केयर, यस, क्योंकि ये तो ज़रूरत वाली चीज़ है। अब होम एंड किचन में भी अच्छा खासा होना चाहिए लेकिन कम है। उसके बाद आता है नंबर इंडस्ट्रियल साइंटिफिक, कम है। ज्वेलरी में देख लीजिए एक बार, ज्वेलरी में सबसे कम है अभी तक। मूवीज एंड टीवी शोज पता नहीं कितना होगा, ये भी कम है। म्यूजिक में भी कम ही होगा मेरे हिसाब से, यस कम ही है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी कम ही होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा, यस कम ही है। ऑफिस प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा होगा, उसमें ज़्यादा, यस उनसे तो ज़्यादा ही है। पेट सप्लाइज में भी कमी होगा, उतना कुछ खास नहीं होगा, ठीक ही है। शूज हैंड बैग्स में काफ़ी रहेगा दम, इसमें भी रहेगा। फोर्थ ओके, दिस इज शोइंग नॉट अवेलेबल। सॉफ्टवेयर में देखते हैं, देखिए सॉफ्टवेयर में है 43,000 यूनिट्स पर मंथ, प्लस माइनस 10%। ओके मतलब आप फोकस कर सकते हैं उस कैटेगरी में। स्पोर्ट्स फिटनेस में 2,400 है, टॉयज में नंबर वन रैंकिंग का 2,100, वीडियो गेम्स में बहुत ही कम, वॉचेस में नंबर वन जो है 2,200 यूनिट्स पर मंथ। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, ये आपको आप रैंकिंग डाल रहे हैं तो उस हिसाब से आपको बता देता है कि कितने प्रोडक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली सेल हो रहे हैं। अगर 100 रैंकिंग है तो इतने हो रहे हैं, अगर 500 है तो इतने हो रहे हैं, अगर 1,000 है तो पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली इतने हो रहे हैं, और अगर 5,000 है तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली कितने हो रहे हैं, ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अभी सपोज मैं कोई भी एक प्रोडक्ट निकालता हूँ यहाँ से देख के, लेट्स सी कि मैं ये प्रोडक्ट को चेक करना चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट में कितना सेल हो रहा है, ठीक है। अभी इसकी रैंकिंग कितनी है, लेट्स सी द रैंकिंग, रैंकिंग 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 कहाँ है, 311, अब इसकी रैंकिंग 311 है। तो ये आता है अपना कैटेगरी होम इम्प्रूवमेंट, तो होम इम्प्रूवमेंट आएगा होम एंड किचन में, तो यहाँ पे हम देखते हैं 311 विच इज 543 यूनिट्स पर मंथ। ओके होम इम्प्रूवमेंट, तो 543 यूनिट्स पर मंथ विच इज नॉट बैड एट ऑल, मतलब ये काफी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, 191 रिव्यूज है। सेम वे आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल ये वाला उठा के देख लीजिए, ठीक है, ये है पैनासोनिक का। अब इसके कितने हैं, 6,761, तो भी चलिए देखते हैं 6,761 का कितना आता है। ये ब्यूटी में आता है तो 6,761, इसमें देखते हैं ग्रेटर देन 5 ही आएगा मोस्ट प्रॉब्ली, 20 यूनिट सेल हो रहे भैया एवरी मंथ, तो नॉट बैड। देख लीजिए, ऐसे आप पता लगा सकते हैं कौन सी कैटेगरी में कितना सेल हो रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा सेंसिबल लगा होगा। अब इसका डिटेल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि हम ये इसकी मेंबरशिप है हमारे पास, तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो आपको मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा इसका, उसमें आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। हालांकि ये मंथली है, आप बीच में छोड़ देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको इसको रेगुलरली यूज़ करना पड़ेगा तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन विथ ऑल द फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो में आई थिंक बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी, तो इसको ज़्यादा और लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे डिटेल में। हालांकि अगर आपको साइन अप करना है तो नीचे मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी साइन अप कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।